फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं HTML सीरीज। और आज हम बात करेंगे लिस्ट के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि HTML में लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। बेसिकली जो लिस्ट HTML में दो टाइप की होती है, पहली होती ऑर्डर लिस्ट और दूसरी होती अनऑर्डर लिस्ट। तो आइए देखते हैं दोनों को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नई फाइल क्रिएट करेंगे और इसे सेव करेंगे हम अपने डेस्कटॉप पर। यहाँ पर हम लेते इसको डेस्कटॉप पर और यहाँ पर हम लिखते हैं लिस्ट डॉट HTML। अभी हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है डेस्कटॉप पर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक नया फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो यहाँ बेसिक में लिखेंगे हम HTML, यहाँ पर हम लिखेंगे HTML सॉरी ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है अभी क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमने लिया HTML, देन इसके नीचे हम क्या लेंगे, हैड। तो यहाँ पर हम देंगे हैड देन हेड के अंदर हम क्या लिखेंगे, टाइटल। टाइटल तो टाइटल में हम लेंगे यहाँ पर लिस्ट। देन हेड के नीचे आएंगे, यहाँ पर हम डालेंगे अपना बॉडी टैग। तो यहाँ पर हम देंगे अपना बॉडी टैग। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमारी पहली लिस्ट देते वो होती है अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम टैग यूज़ करते हैं UL। क्या यूज़ करते हैं, UL। और इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे अपनी लिस्ट को। देन यहाँ पर हम इसमें लिस्ट को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिस्ट को डिफाइन करने के लिए, लिस्ट आइटम को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं LI। LI मीन्स लिस्ट आइटम। LI मीन्स लिस्ट आइटम। अब हम क्या करते हैं इसमें लिस्ट आइटम में, सबसे पहले हम यहाँ पर इसके ऊपर हम ले लेते हैं यहाँ पर लेबल। तो लेबल हम क्या लेंगे यहाँ पर, लेबल। और यहाँ पर लेंगे कोर्सेस। कोर्सेस यहाँ इसके ऊपर हम ले लेते हैं कोर्सेस। देन यहाँ पर एक BR टैग डाल देते हैं। तो ये हमने इसके नीचे, अब यहाँ पर हम देंगे सबसे पहले कोर्सेस में हमारा क्या आएगा, C। देन मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ उनको, C++। यहाँ पर हम लेंगे जावा। यहाँ पर हम लेंगे एंड्रॉइड। एंड यहाँ पर एक और हम ले लेंगे HTML। HTML अब क्या करते हैं, हम इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अपने डेस्कटॉप पर आना है, लिस्ट पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर हम इसको, ये आप देख सकें हमारी अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर एक दूसरी हमारी लिस्ट आती ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर BR ले लेता हूँ, इसी के नीचे हम ले लेते हैं BR, देन BR। देन यहाँ पर अगेन हम इस लेबल को ले लेते हैं कोर्सेस। अब ऑर्डर लिस्ट के लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा OL। All means order list। और इस order list के अंदर फिर अगेन हम क्या लेंगे, अपने item। तो यहां पर मैं item यहां क्या करता हूं, copy paste कर लेता हूं यहां से। यहां से हम क्या इनको item को copy paste कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया, इनको copy किया and paste कर दिया। देन इसको save करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको रन करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारी ऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो चुकी। तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं, ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे टेबल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।